एंड्रॉयड 12 का अपडेट के बाद भी आपको मैटेरियल यू का ऑप्शन नहीं देखने मिलता रेडमी शॉमी और पोको डिवाइस में। अगर आपको ये फीचर अनेबल करना है एंड्रॉयड 12 का, जो कि आपको गूगल की तरफ से देखने मिलता था मेजर अपडेट, और वो आपको शॉमी डिवाइस में नहीं देखने मिलता, बाकी डिवाइस में देखने मिलता है, और आपका शॉमी भी जो है एंड्रॉयड 13 के साथ वो अनेबल कर देगा, तो तब तक आपको वेट करना होगा। बट अगर आपको वेट नहीं करना है तो अभी आपको मैटेरियल यू वाला लॉन्चर एक ऑप्शन है जो कि आपका जो है लॉन्चर है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको जो मैटेरियल यू का सपोर्ट देखने मिल जाता है, मैटेरियल यू का सपोर्ट के साथ आपको जो आइकन्स भी चेंज करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, वो भी आपको मैटेरियल यू आइकन्स का भी ऑप्शन देखने मिलता है और थीम आइकन्स का भी ऑप्शन देखने मिलता है। सभी कुछ आपका चेंज हो जाएगा, जैसे आपका वॉलपेपर कलर रहेगा वैसे ही आपका जो है सभी आइकन्स भी चेंज कर देगा कलर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको जो है आपका लुक देखने मिलने वाला फ़ोन में। मेरे को पर्सनली लॉन्चर हमेशा पसंद आया क्योंकि आपका पिक्सल लॉन्चर से इंस्पायर्ड लॉन्चर है, और फिर आपको इसमें थीम्ड आइकन का भी ऑप्शन देखने मिलता है, और इसमें अगर आप परफेक्ट जो मेटेरियल यू वाला आइकन को अप्लाई कर दिए तो आपको परफेक्ट एकदम नेक्स्ट लेवल लुक जो देखने मिल जाएगा, जो कि आपको ट्राई करना चाहिए। जैसा आपका वॉलपेपर वैसा आपका आइकन्स वैसा आपका पूरा फ़ोन का यूआई आपको देखने मिलता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था मेटेरियल यू से इंस्पायर्ड आइकन्स और लॉन्चर, तो आप ट्राई कर सकते हैं लॉन्चर और डायनेमिक आइकन्स, जो कि सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या लास्ट में आपको सभी का छोटा छोटा मतलब प्रीव्यूज देखने मिलेगा, तो वीडियो के एंड में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर सेकंड आपका रीपेंटर है, जो कि इसमें भी आपको अगर फोर्स करना आपका डिवाइस का कलर चेंज करने के लिए मटेरियल यू के हिसाब से, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपका वॉलपेपर में है कलर्स इसमें आपको देखने मिल जाएगा, फिर उसमें आप डायरेक्टली जो थीम कर सकते हैं अपना फ़ोन को, और जो भी गूगल ऐप्स है वो आपका इस कलर के हिसाब से रहेगा, जो कि आप कलर को सिलेक्ट कीजिएगा या अनेबल कीजिएगा, तो एक अच्छा ऑप्शन देखने मिलता है जो कि रीपेंटर आपका कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था ऑप्शन, तो आप रीपेंटर ट्राई कीजिए, आपका ऑफिशियली प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और आपको पेड वर्जन भी देखने मिलता है, बट पेड वर्जन कोई ज़रूरत नहीं, नॉर्मली काफ़ी कुछ कर सकता है। अच्छा ऐप है, ट्राई करके देखिए, शायद आपको पसंद आ जाए। मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा डिफरेंट टाइप का ऐप है, जो कि काफ़ी कुछ कर सकता है थीमिंग के हिसाब से, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का सभी कुछ चेंज कर सकता है, तो ट्राई कीजिए। और अगर आपको डाउनलोड मारना तो आपको लॉन्चर का जो है लॉन्चर का लॉन्च लॉन आइकन्स और लॉन्चर लॉन्चर अल्फा 5 सभी कुछ ऑप्शंस मतलब सभी का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड कीजिए लॉन्चर और लॉन आइकन्स, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद पता ही कैसा लगा आपको। मेरे को पर्सनली दोनों ही काफ़ी अच्छा लगता है। और सेकेंड आपका और एक ऐप है जो कि आपका मेटेरियल यू डायनेमिक आइकन पैक, इसको भी आपको जो डाउनलोड करना है तो चाहिए प्ले स्टोर में, सर्च कीजिए मेटेरियल यू डायनेमिक आइकन पैक, या लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो डाउनलोड कीजिए। ये भी काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल फ्री आइकन पैक है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लुक के साथ देखने मिलता है, फुल डायनेमिक है। और फिर आपको देखने मिलता है आपका और एक ऐप जो कि आपका रीपेंटर है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपका डायनेमिक थीम्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आपका थीम कर सकता है पूरा फ़ोन को। अगर आपका प्रॉपरली सपोर्टेड है डायनेमिक मतलब मटेरियल यू, तो आपको बेटर जो थीमिंग देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 13 के साथ, और भी बेटर आपको थीमिंग देखने को मिलेगा, तो डाउनलोड कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको चारों ऐप्स। आई होप आपको सभी ऐप्स पसंद है, वीडियो पसंद है, लाइक मारी लाइक ही मैं 120 रखते कंप्लीट कीजिए, और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल में रखे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो अच्छा बात है, अप्रिशिएट कीजिए, मेहनत लगता है, लाइक कंप्लीट कीजिए, कुछ भी पूछना नीचे कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।